गुड मॉर्निंग ऑल। आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक इतिहास रच दिया है। आज भारतीय टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक्स में लगभग 41 साल का सोखा जो है वो खत्म करते हुए भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और लास्ट टाइम 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। उसके बाद कभी आज तक भारतीय हॉकी टीम ने कभी मेडल नहीं जीता है। पहले राउंड में जब है कि टीम ने काफी प्रदर्शन जो है ठीक नहीं रहा, लेकिन उसके बाद सेकंड और थर्ड क्वार्टर में बहुत जबरदस्त बैकअप करते हुए भारतीय टीम ने जर्मनी टीम को बिल्कुल कांटे की टक्कर में हराते हुए 5-4 के स्कोर से भारत ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और लास्ट टाइम 1972 में भारतीय हॉकी टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद आज तक ये इतिहास हिस्ट्री में दर्ज हो गया कि इंडियन हॉकी टीम ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस मैच के में अहम रोल जो है श्रीजेश जो हमारे गोलकीपर है भारत के, उन्होंने बहुत बेकमाल प्रदर्शन किया है। और यदि मैं गोल की बात करूं तो आज सिमरनजीत ने 2 गोल और हरमनप्रीत, हार्दिक और रुपिंदर पाल ने 1-1 गोल करके भारतीय टीम को जो है ब्रॉन्ज मेडल दिलवाने में अहम योगदान रहा है। पूरी टीम ने बाकमाल प्रदर्शन किया है। हम अपनी टीम से, अपनी पूरी टीम की तरफ से दोबारा फिर भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं।